गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो गाइज? गाइज, आपने मेरे लास्ट वीलॉग में देखा था मुझे दास्तान फार्म में, जो कार का म्यूजियम था, तो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक अडालज गांव है और वहाँ पे एक अडालज वाव है, वो बहुत ही फेमस है। तो मैंने सोचा कि ये एक आपको जगह है वो आपको दिखाऊँ। तो अभी मैं फ़िलहाल आ गया हूँ अडालज की वाव पे। ये पूरा उसके पीछे जो आपको दिख रहा है वो अडालज की वाव का दृश्य है। तो अडालज वाव का आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं दे देता हूँ। अडालज वाव सरकेस गांधीनगर हाईवे से बहुत ही नज़दीक है। और दूसरा के अडालज वाव का जो स्टोरी है वो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको मैं बता देता हूँ कि वीरसन नामक एक राजा था, उसकी एक वाइफ थी रूढ़ीबाई। तो वीरसंग राजा ने रूढ़ीबाई के लिए ये वाव का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो बीच में एक युद्ध हुआ था और ये एक युद्ध के दौरान वीरसंग राजा की मृत्यु हो गई थी। तो उस टाइम पे ये जो वाव थी उसका कंस्ट्रक्शन बंद हो गया था। तो बाद में एक मोहम्मद बेगड़ा नाम का राजा था, वो रूढ़ीबाई के ऊपर बहुत ही मोह गया था, क्योंकि रूढ़ीबाई एक चुस्त और व्यवहार और उसका रूप भी बहुत अच्छा था। तो मोहम्मद राजा ने रूढ़ीबाई को मैरिज के लिए प्रस्ताव रखा। तो रूढ़ीबाई अपने जो शोहर थे वीरसंग राजा, उसको बहुत लव करती थी, उसको बहुत चाहती थी। तो उसका सपना ये वाव का था, वो पूरा करना था। तो रूढ़ीबाई ने पहले मोहम्मद बेगड़े राजा को बोला कि भाई तुम पहले ये वाव का कंस्ट्रक्शन पूरा करो, फिर मैं शादी के लिए आगे सोचूंगी। तो मोहम्मद राजा ने ये पूरा वाव का कंस्ट्रक्शन शुरू किया और बाद में ये जब कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ तो रूढ़ीबाई जो थी वो वाव के पास आई और वाव के अंदर आत्महत्या कर ली, क्योंकि रूढ़ीबाई थी वो अपने शोहर को बहुत ही प्रेम करती थी। तो तब से लेके अब तक ये वाव बहुत ही फेमस है और अंदर उसका जो शूटिंग है वो भी बहुत ही फेमस है। तो वो मैं आपको पूरा अंदर से दिखाऊंगा। और ये जो वाव का यूज़ कैसे होता था कि पुराने टाइम में जब पानी की किल्लत रहती थी तो ये लोग है ना पानी पूरा वाव के अंदर संग्रह कर लेते थे। तो वो फिर जब आपको पानी की किल्लत रहती थी, जब पानी नहीं मिलता था, तब ये वाव का पानी का यूज़ होता था। और ये वाव का पानी का जो होता है ना उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है, उसका जो पानी का नेचर है वो भी अल्कलाइन रहता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत रहती है और उसका टेस्ट भी बहुत मीठा रहता है। तो मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए मेरे साथ वाव के अंदर, लेट्स गो। अभी मैं ये जो अडालज की वाव है उसके फर्स्ट माले पे हूँ। यहाँ से होके हम नीचे जाते हैं, तो मैं इसका थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ कि ये जो वाव है वो 5 मंजिला है और उसकी लंबाई है ना 251 फीट है और उसका जो डीप है वो 50 फुट है, 50 फुट डाउन है।
तो उसके अंदर से पानी चालू होता है। तो अभी हम है ना नीचे जा रहे हैं वाव के अंदर, तो चलिए मेरे साथ। और जब भी आप यहाँ पे आओ तो एकदम शांति से और सेफ्टी से आना, क्योंकि थोड़ा ओल्ड कंस्ट्रक्शन है तो आपका पैर भी फिसल सकता है। तो आप देख के धीरे से शांति से नीचे उतरिए। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, पूरा पीछे का लुक्स भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी मैं शायद दूसरे माले पे हूँ, यहाँ से तीसरा, चौथा और पांचवा एकदम अंदर है। तो ये पूरा मैं आप सभी को एक बार व्यू दिखा देता हूँ। और ये जो मेरे पीछे दिख रहे हैं स्टेप, वहाँ से हम आते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं। तो चलिए मैं नीचे जाता हूँ। और जैसे जैसे हम नीचे जाओगे यहाँ लाइट थोड़ा कम होता जाएगा, क्योंकि अंदर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा रखा है कि थोड़ी थोड़ी लाइट बीच में आती रहती है, जो कुदरती लाइट है वो। तो गाइस अभी मैं अडालज की वाव के एकदम निचले माल पे आ गया हूँ। यहाँ से लास्ट में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पीछे पानी है। ये जो पुराने ज़माने में पानी का संग्रह ऐसे करते थे, यहाँ पूरा पानी रहता था, और बारिश के टाइम में तो कभी कभी ऊपर भी पानी आ जाता था। तो ये पानी का इस्तेमाल जब बारिश नहीं होती है, जब पानी की कमी होती है, तो ये पानी का यूज़ होता है। और ये पानी का जो नेचर है वो अल्कलाइन है, पूरा ऑक्सीजन है, उसका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी सबसे ज़्यादा है। और ये पानी आप टेस्ट करोगे तो पीने में भी बहुत मीठा होता है। तो ये अडालज की वाव का पूरा दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ। और अभी जो मैं खड़ा हूँ वो एकदम लास्ट में पांचवें वाले पे नीचे हूँ। और यहाँ से करीबन 251 फीट लंबाई है इसकी। और ये जो पानी देख रहे हो यहाँ से नीचे 50 फीट है, यानी कि 50 फीट ऊंडा ये पानी है, वो मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए गाइस, और यहाँ पे विजिटर्स भी काफ़ी आ रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे खड़े हैं सब लोग। तो यहाँ विजिटर के लिए फीस भी है, फीस है वन पर इंडियन सिटीज़न हो आप तो 25 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा यहाँ नीचे आने के लिए। और यहाँ आप शूटिंग भी कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। टच की वाव है ना, इसका अभी यहाँ एकदम साइलेंट है। कबूतर का आवाज़ आ रहा है, पक्षी का आवाज़ आ रहा है, इसमें काफ़ी सारे पक्षी भी रहते हैं, ज़्यादातर कबूतर रहते हैं। तो आप यहाँ बैठे ना, मन को एकदम शांति लगती है, एकदम नेचुरल ब्यूटी है। और यहाँ आप आओगे ना एक बार, ये मेरा ब्लॉग भी आप देखोगे ना, तो आपको भी लगेगा कि मैं भी यहाँ विजिट करूँ। अब जब भी आप आओ यहाँ फैमिली के साथ आना, फ्रेंड के साथ आना, आप सोलो भी आओ तो भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये प्लेस ही ऐसा है, एकदम पूरा पास्ट रिलेटेड है। ये जो वाव की जो कंस्ट्रक्शन की है ना, वो अभी के जो इंजीनियर है ना, वो भी नहीं कर सकते ऐसा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि पुराने ज़माने में जो कंस्ट्रक्शन करते थे उसकी एक अलग ही मिसाल थी। अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जो पुराना कंस्ट्रक्शन था वो सब एकदम ऑपोजिट साइड में है। तो ये सब आप, ये मेरे ऑडियंस को मुझको बताना था। अब धीरे धीरे करके मैं ऊपर आ रहा हूँ, तो लाइट भी ऐसे कुदरती जो सूर्य का प्रकाश है वो धीरे धीरे करके आ रहा मेरे पास। तो जैसे ही आप नीचे जाओगे ना, थोड़ा लाइट कम हो जाएगा, लेकिन डरिए मत, नीचे भी प्रकाश तो आ ही रहा होगा। देखिए पीछे का व्यू कितना अच्छा आता है। और अभी मैं तीसरे माले पे आ गया हूँ, यहाँ लिखा हुआ है कि यू आर इन थर्ड फ्लोर। अभी एकदम टॉप फ्लोर में मैं आ गया हूँ। तो गाइस ओवरऑल आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा, ये पूरा मैं आपको एक बार गोर घुमा के देख सकता हूँ। इसके तीन एंट्रेंस है, ये मेरे पीछे है एक, दो और ये तीन। ये तीनों एंट्रेंस से आप आ सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी एक ही एंट्रेंस खुला है, वो जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, वही एंट्रेंस से आप यहाँ आ सकते हो। और यहाँ की एंट्री फीस 25 रुपीज़, अब इंडियन सिटीज़न है तो 25 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। फॉरेनर के लिए यहाँ फ़ी अलग है, हालांकि उन्होंने मेरे को बताया ही नहीं, क्योंकि मैं फॉरेनर था नहीं। एज ए आप फॉरेनर हो तो आपको फ़ी ऑब्वियसली ज़्यादा ही पे करनी पड़ेगी। वो जरोखे के अंदर हो, ये जरोखा यानी कि क्या बोलते हैं कि राजा ने अपने रानी के लिए मी टाइम यूज़ करने के लिए ये जगह बनाई है, कि राजा रानी जब फ्री होते थे तो यहाँ आ सकते थे।
बात कर सकते थे एक दूसरे से, लेकिन उन लोगों की कम नसीबी रही कि ये वो दोनों बात नहीं कर सके। लेकिन फिलहाल अभी ये जगह जो जो हमारे जैसे टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ आके फोटोग्राफ खींचते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्लेस है। आप भी जब आओ यहाँ तो फोटो खिंचवाओ और वीडियोग्राफी करो, बहुत ही अच्छा प्लेस। वाव को आपने अंदर से तो देखा ही है, इंग्लिश में वाव को स्टेप वॉल बोलते हैं। वाव के चारों तरफ बहुत ही बढ़िया लस ग्रीन बगीचा बनाया हुआ है, तो जब आप यहाँ घूमने आते हो तो यही ग्रीनरी पे बैठ के आप चाय नाश्ता खाने का प्रोग्राम भी कर सकते हो, ये पूरे दिन का पिकनिक आप बना सकते हो। अहमदाबाद में नवंबर दिसंबर और जनवरी में टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, ठंड रहती है, तो उस वक्त आप घूमने आते हो तो यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो। और ये सब चीज़ें हैं जो आपको इतिहास से भी जोड़ती है, तो यहाँ पे आपके बच्चों को लाने से आपके बच्चों का ज्ञान भी बढ़ता है। और ये सब चीज़ें आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि कितने साल पुरानी धरोहर है और ऐसे आर्किटेक्चर आज भी नहीं होते, तो हम अपने बच्चों को ऐसी जगह के घुमा के उनके विजन को और बढ़ावा दे सकते हैं। आप सोच सकते हो उस वक्त कोई भी मशीनरी नहीं थी, फिर भी इतनी गहराई में इन्होंने जब ये वाव बनाई होगी तो कितने लोग लगे होंगे वो आपने देखा होगा। तो देखिए किस तरह से इन्होंने ये सब चीज़ें डेवलप की है, तो थोड़ा बहुत परिवार के साथ घूमिए। और इस गाइज ये ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा, जब भी आप यहाँ पे आओ तो मेरे को टैग करना मत भूलना, मेरे को कमेंट करना मत भूलना। और मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ एक बार आप ज़रूर घूमने के लिए आइए, बहुत ही अच्छा प्लेस है। और ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।